भाई सारे ने तो ये अलजेब्रा के जुनून थे, या ना कहे कि भाई सोल्व करा दो, तो ये अलजेब्रा के जुनून से सोल्व कराने जा रहा हूँ। 250 क्वेश्चन कुछ आस पास, 263 क्वेश्चन के आसपास मैं सोल्व कराऊंगा इसमें। तो ये पहली वीडियो है, तो पहली वीडियो में जितने हो सकेंगे वैसे करवाने की कोशिश करूँगा इसके 100 के आसपास, ठीक है। तो जैसे पहले से लेके 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन करवा दूंगा और आपने अपने आप करना है प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। तो एक बार पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहले क्वेश्चन देखो, एक्स की वैल्यू दे रखी है 11 और फाइंड दे, हमें पता करना है एक्स की पावर 4 - 12, एक्स क्यूब प्लस में 12x² - 12 एक्स प्लस में 61। तो हमने 11 के मल्टीपल में बना लेंगे इसने। देखो पहली चीज़ यह है हमारे पास एक्स की पावर 4, तो हम इसने ऐसे कैसे लिख सकते हैं, x² - 12x³ ना हम कैसे लिख सकते हैं, -k 11x³ - k x³, समझ गए। प्लस में 12x² ने कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 11x² + x², क्योंकि 11x² + x² कितना हो जाएगा 12x², और माइनस का 11x³ - x³ कितना हो जाएगा 12 - k 12x³, और ये हो जाएगा -k 11x - x, तो -11x - x तो हो जाएगा -k 12x और प्लस में 61। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई हमारे पास यह, ठीक है। तो देखो एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 11 है और ये 11 दिया जाता है, दे रखे हैं हमारे को। तो एक्स की पावर 4 देखो 11, एक्स की पावर 3 और एक्स की वैल्यू भी 11 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको टोटल को, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्यूब का हम ऐसे कैसे रहने देंगे, एक्स की पावर स्क्वेयर, और ये भी एक्स के बराबर है 11, तो ये हम इसने टोटल में देखो एक्स की पावर 2 होगी और एक एक्स यहाँ पर आ गया, तो इसने कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वेयर, इसने लिख सकते हैं -k² - x प्लस में 61, समझ गए बात ना। तो एक्स की पावर 4 से 4 कट गया, -x² + x³ कट गया, प्लस के एक्स स्क्वेयर से -k² कट गया, -x प्लस में 61 हो जाए हमारे पास इसका आंसर। तो -x मतलब -k 11 + 61, तो 61 में से क्या करते हैं हम 11 घटा देंगे, तो 61 में से 11 का कितना बच गया 50। तो जो पहला है वो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, 50 हो गया इसका हमारे पास आंसर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो 10 के 10 हो जाएंगे अपने आप यहाँ से सोल्व। तो एक क्वेश्चन 10वां कर लेते हैं, लेकिन और भाई सारे के सारे बीच वाले बिल्कुल सेम है। तो एक्स की पावर 5 में इसमें ही करके दिखा देते हैं, एक्स की पावर 5 माइनस में 21 की एक्स की पावर 4 है, तो हम इसने कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, एक्स की पावर 5 माइनस में 21 एक्स की पावर 4 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 20x² - x की पावर 4, ठीक है। 21x³ ने कैसे लिख सकते हैं, 20x³ + x³, क्योंकि 20x³ + x³ कितना हो जाएगा 21x², तो 21x² ने कैसे लिखा, 20x² - x², लास्ट में बच गया -k 5x + 800, ठीक है। तो ये हो गया एक्स की पावर 5, ये हो गया -x² क्योंकि एक्स की पावर 4 ये है, एक्स की वैल्यू 1 20 यहाँ पे है, तो एक्स की पावर 4 और 1 5, तो -x² - 5 -x² + x² क्योंकि 3 पावर ये हो गया, 1/4 पावर होगी 20 यहाँ पे, तो +x³ - x³ क्योंकि 2 पावर ये हो गया, तीसरी होगी 20, -x² माइनस का यहाँ पे 1 + 5x + 800। तो जो कटेगा भाई हम उसने काट लेंगे, देखो पहले तो कट जाएगा एक्स की पावर 5 से यो, -x² - 4 से यो कट जाएगा, x³ से ये कट जाएगा, तो जो बचा हमारे पास हो जाएगा 800 -x² - 5x, समझ गए। इसमें हमने एक्स की वैल्यू रख देनी है जो कि हमारे पास कितनी 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाए यहाँ से 400, और 20 पंजे हो जाएगा 100, तो ये 400 और 1 500 800 में, तो 500 गए तो बच जाएगा यहाँ पे 300 आंसर इसका, ठीक है। तो 10 के 10 भाई इसी टाइप से करने हैं अपन, इनको स्प्लिट करना है, जैसे इसमें -17x² - x4 हो जाएगा, समझे, क्योंकि 17 के मल्टीपल हमने करने, फिर उसकी पावर बढ़ जाएगी, तो ये सारे के सारे ऐसे कट जाएंगे जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करके दिखाए। तो 10 के बाद हम करेंगे 11वां क्वेश्चन, तो भाई उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 7th क्वेश्चन देख ले, 7th और बता देता हूँ, एक्स की पावर 5 दे रखे है,
माइनस में 18x4, ये आप देख सकते हो। देखो एक्स की पावर 5 माइनस में 18x4 हम कैसे तोड़ सकते हैं, माइनस के 17x4 माइनस के x4, ठीक है। 17x4 माइनस में x4 तो ये टोटल करेंगे तो माइनस का 18x4 बन जाएगा। प्लस में 18x3 ना हम कैसे तोड़ सकते हैं, 17x3 प्लस में x3 माइनस में 18x2 दे रखा है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम, 17x2 माइनस में x2 प्लस में 16x प्लस में 26, ठीक है। एक्स की पावर 5 माइनस में 17 माइनस में x4 प्लस में 17 प्लस में x3 माइनस में 17x2 माइनस में x2 प्लस में 16x प्लस में 26, तो एक्स की वैल्यू दे रखी हमारे पास 17, तो ये एक्स की पावर 5 ये बन जाए माइनस में एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 ये बन जाए प्लस के एक्स की पावर 4, क्योंकि एक्स की पावर 3 यार एक एक्स की पावर 4 हो जाएगी 17, प्लस में x3 ये हो जाएगा माइनस में x3 माइनस x2 प्लस में 16x प्लस में 26, ये कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस में 26 आ जाए हमारे पास आंसर इसका। बस आपने कुछ नहीं करना इसमें, आपने एक्स की वैल्यू 17 पुट करनी है, तो हो जाए 17 का स्क्वायर माइनस का प्लस में 16 इंटू में 17 प्लस में 26 हो जाए इसका आंसर। ये आप इसने सोल्व कर लेना आंसर आ जाए। उसके बाद 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन में देखो दे रखा है, पहले एक्स प्लस में 1/x दे रखा है 3 के बराबर, समझ गए, और हमने फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² हमने फाइंड आउट करना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि हमने फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स प्लस में वाई की होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आता है, ए प्लस में बी की होल स्क्वायर या कह लो एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू में एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस जो भी 50 तक क्वेश्चन आएंगे उन तक ये आपके काम आओगे। तो जो हमारे को पहली इक्वेशन दे रखी है जो कि ये है हमारे पास ये वाली, तो इसमें हमने क्या करना है, ये इक्वेशन का क्या करना है, स्क्वेयर कर देना बोथ साइड, तो इसको हम स्क्वेयर कर देंगे, यहाँ से ये स्क्वेयर हो गया और इसका स्क्वेयर हो गया, तो ए मान लेना हमने एक्स और बी मान लेना है 1/x, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वेयर जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर हो जाएगा 1/x² प्लस में 2 इंटू में ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू है 1/x इज इक्वल टू में कितना आ जाए 3 3 9, क्योंकि इस साइड भी स्क्वेयर होगा और इस साइड भी स्क्वेयर हो, दोनों साइड स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो एक्स तो 1/x कट जाएगा, तो हो जाए एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू में सॉरी प्लस 2 इज इक्वल टू में 9, तो ये 2 यहाँ प्लस करे वहाँ जा क्या करेगा माइनस करेगा, तो 9 में तो 2 गए 7, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 में 2 गए 7, तो अपना आंसर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² जो कि आ गया 7 के बराबर, तो 11वें का आंसर हो गया हमारे पास 7। तो आगे जो मैं कराऊंगा क्वेश्चन, जैसे अगला भी है ये इससे अगले वाला, तो इसमें क्या करेंगे, हमने पता होना चाहिए कि भाई जो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x जो एक्स है और मल्टीप्लाई बाय 1/x हो, तो ये कट के सीधा क्या होगा, इसका स्क्वेयर करके जो ये वाली टर्म है इसका स्क्वेयर करके माइनस में 2 करना, हमने सिंपल सी बात है ये अपना आंसर आ जाए, जैसे अगले मैं आपने समझाऊंगा कैसे कैसे करा मैंने। तो 12वां क्वेश्चन देख लो एक बार, एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू 4, इसकी पावर की 2 ने देख कर डर मत जाना, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है एज इट इज़, जो ये है क्या करना है, मैंने इस बीच में स्क्वेयर करना दोनों का, तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x², क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, वह चीज़ में क्या है कि भाई ये ए बी करेंगे जैसे एक्स स्क्वेयर इंटू 1/x², ये दोनों कट जाएंगे, तो मैं सीधा 2 लिख दिया करूँगा आने वाले टाइम में, ठीक है भाई। उसके बाद इस साइड स्क्वेयर हो गया, तो हमने उस साइड भी इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा दूसरी साइड, जो कि 4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 16, तो कट गया, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस में 1/x² कितना हो जाएगा 16 में, तो 2 गए 14 के बराबर, तो आंसर इसका कितना आ गया 14। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन निकालने हैं, तो 11वां 12वां हमारे पास क्वेश्चन हो चुके हैं अपने। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तो भाई अगले क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन अपने पास 13वां बिल्कुल सेम है एज इट इज़, ई इसमें एक्स की पावर ई पावर ने देख कर मत ड्रा करो, बस हमने क्या करना, बस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 6, जो कि 9 के बराबर, इफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 6 1/x² प्लस में 2, जो ए बी करेंगे ये एक्स की पावर क्यूब, तो 1/x³ कट जा, ये इसका स्क्वायर हो जाए 81, यहाँ जा कर अगर माइनस, तो 81 में तो 2 गए 79, तो आंसर इसका कितना आ गया हमारे पास
79 के बराबर। ऐसे ही 14वां है, एक्स की पावर 4 प्लस में 1 बाई में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू में 11। स्क्वेयर करेंगे तो एक्स की पावर 8 प्लस में 1 बाई में एक्स की पावर 8 प्लस में हो जाएगा 2, और 11 का स्क्वेयर हो जाएगा 121। इसमें तो 2 कटेंगे तो जो है 119 के बराबर इसका आंसर। उसके बाद 5 का डबल करेंगे 10, इसका वो स्क्वेयर करके 7 का डबल 14, 48 का डबल 96। इसने करा देता हूँ, इसमें अगर आपने थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही होगी तो, नहीं तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ है। इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 बाई में 2 की पावर डबल हो जाएगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे इसमें हुई थी 6 दुनी 12 हो गई थी, यहाँ पे 4 का 8 हो गया था, सॉरी 3 की 6 हो गई थी, 4 की 8 हो गई थी। इसमें इसकी पावर डबल होगी क्योंकि इसका हम स्क्वेयर करेंगे तो 2 तो 2 कट जाए, इस तक 2 तो 2 कट जाए, तो कितनी बचेगी, एक्स की पावर 29 प्लस में 1 बाई में एक्स की पावर 29 प्लस में 2 इंटू में ए बी, ए बी जब हम करेंगे इस तक कट जाएगा तो हमने 2 ए रखना है, और बराबर है 17, तो 17 का स्क्वेयर जो होगा और उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2, तो आंसर कितना आ जाए, 17 का स्क्वेयर माइनस में 2, तो 17 का स्क्वेयर होता है अपने पास 22, 289 के बराबर। तो 17 का स्क्वेयर होगा 289 के बराबर, उसमें तो 2 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए इसका 287 के बराबर। तो ये हो गए भाई अपने 18 तक क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं आप आगे जो कि अपने पास 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होंगे ये भाग। ये बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे पिछले करें अपन। 19वां देख लो, अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स क्या होता है स्क्वेयर, अगर को हम उसकी पार मतलब अंडर रूट कर देते हो उसकी पार मतलब हो जाता है 1 बाई में 2, तो अंडर रूट का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास एक्स ही बचेगा, एक्स की पार 1 या एक्स कह लो एक ही बात है। तो अंडर रूट एक्स प्लस में 1 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू में 16 के बराबर। क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे तो बन जाए एक्स प्लस में 1 बाई में एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू में 16 का स्क्वेयर। तो 16 का स्क्वेयर हो जाए हमारे पास कितने के बराबर, 256 के बराबर, और ये 2 वहाँ जा करेगा माइनस, तो ये जाए 254 इसका आंसर। इसी तरीके से ये अगला हो जाए जैसे मैंने पिछला कराया, तो इसका स्क्वेयर हो जाता तो 2 कट जाएगा तो एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 बढ़ जाएगा, आंसर क्या होगा 18 का स्क्वेयर माइनस में 2। ऐसे ही हो है इसका क्या होगा 7 अंडर रूट 7 का स्क्वेयर माइनस में 2 जो कि हो जाए 7 में 2 गए 5। ऐसे ही हो है इसमें क्या होगा, देखो 7 बाई 4 रहता है मल्टीप्लाई बाई 2 होते हैं, 7 बाई 2 बच जाएगा, जैसे 7 बाई 2 बच गया तो इसका आंसर क्या हो जाए 21 का स्क्वेयर माइनस में 2। उसके बाद 23 और बता देता हूँ, देखो भाई ई प्रैक्टिस करोगे तो वो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई, अगर हम प्रैक्टिस करते आ रहे पीछे तो हमने पता लग गया कि भाई इसमें क्या होगा 16 का स्क्वेयर माइनस में 2, 18 का स्क्वेयर माइनस में 2, अंडर रूट 7 का स्क्वेयर माइनस में 2। तो इस टाइप से शॉर्ट ट्रिक बनती है, बस अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक बंदा अपने आप बना लेता। तो 23वां क्वेश्चन देखो भाई क्या करे, एक्स बाय में वाई प्लस में वाई बाय में एक्स बराबर दे रहे कहते हैं इसके बराबर, तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाय में एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे तो जुड़ जाए एक्स स्क्वेयर बाई में वाई स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाई में एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, ए की वैल्यू है एक्स बाय वाई और बी की वैल्यू है वाई बाय में एक्स बराबर है 23 का, इसका भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये एक्स तो एक्स कट गया, वाई तो वाई कट गया, तो एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर, यह वैल्यू तो निकालनी थी हमने जो यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 23 का स्क्वेयर, और यो 2 वहाँ जा क्या करेगा माइनस, तो 23 का स्क्वेयर कर लेना और उसमें 2 घटा देना, आंसर आ जाएगा आपके सामने ए बी सी जो भी हो उस अपना करेक्ट कर देना। तो भाई अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, कुछ भी कह लो लेकिन है सिंपल सा, हमने क्या ले दो 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 दिख रहा है और यहाँ पर पाँच पाँच पर, तो दो अगर पाँच का मल्टीपल नहीं हो सकता तो एक बनाना पड़ेगा हमने यहाँ पे कैसे ना कैसे करके, तो इस चीज़ में अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। तो 24 में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई हम पूरे पूरे इसने, तो देखो इसने 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा और यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, तो आंसर देखो क्या बनेगा, या इक्वेशन बनेगी 2 तो 2 गया ये बनेगी एक्स प्लस में यो बन जाएगा इस पर भी 2 से 2 चला जाए तो ये हो जाएगा 1 बाई में एक्स बराबर 6 डिवाइडेड बाई में 2 ये तो हो जाए 3, ठीक है। और हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वेयर कर लेते हैं क्योंकि एक्स की पावर स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर करते हैं तो इसका जो है एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 इंटू में ए बी, ए बी आपस में घट जाएंगे क्योंकि एक्स और 1 बाई में एक्स है मल्टीप्लाई हो गए, और ये हो जाए 3 का स्क्वेयर जो कि हो जाएगा 9, तो 9 में तो 2 गए वहाँ जाकर माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 बाई में एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 7। इब क्या करना है भाई, देखो 5 है यहाँ भी 5 है और ऊपर भी 5, तो क्या करते हैं तो पूरे पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो दोनों साइड हमने अगर एक साइड 5 से मल्टीप्लाई करा तो दोनों हमने परली साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाए 5 एक्स स्क्वेयर प्लस में 5 बाई में एक्स स्क्वेयर जो कि बराबर आ जाए 35 के बराबर। ईब क्या है प्लस 1 और है,
तो प्लस वन है तो दोनों साइड हम प्लस प्लस वन कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 36 हो जाएगा इसका आंसर। तो सिंपल सा था, कोई ज़्यादा घबराने की बात इसमें है नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख लो, जो कि क्या कह रहा है, 5x + 5 / x इज इक्वल टू 20। 5 3 का मल्टीपल होता नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमने 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो सेम x + 1 / x इज इक्वल टू, में 5 से करेंगे तो ये बन जाए यहाँ से 4। तो यह इक्वेशन आ गई, तो ये हो जाए x² + 1 / x² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 का स्क्वायर जो कि 16, इसमें 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14, क्योंकि यहाँ पे +2 बन जाएगा। उसके बाद क्या है, 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसने भी 3 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे। और क्या आ गया, +1 है, तो 14 × 3 + 1, 3 × 4 = 12, 1 × 3 = 14, 3 42 = 1 जो कि बराबर आ जाएगा 43 के बराबर, तो 43 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 26वां क्वेश्चन, 26वें में इतने देख लो क्या कह रहा है, 26वें में कह रहा है कि 4x³ + 4x³ = 32 के बराबर, तो ये करना है, तो कुछ नहीं करना, बस वो 4 से डिवाइड कर देना है, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, समझे। कितना बन जाएगा x³ + 1 / x³ = 8 के, क्या करना हमने इसके बाद, इसका स्क्वायर कर देना, तो ये बन जाएगा x³ + 1 / x⁴, इसका स्क्वायर कर देना 8 2 64, माइनस में हो जाएगा 2, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 2ab होता है, तो इसलिए -2, जो कि पहले मैंने बताया था। ये क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ 6 6 64 में 2 हो गया 62, 6 मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, जमा में 3 है तो यहाँ भी जमा में 3, यहाँ भी जमा में 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर, और ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी इसके सेम, ठीक है। 6x³ + 6 / x³ + 3 किसके बराबर, 62 × 6 + 3 कर लेना भाई, मल्टीप्लाई कर लेना, फिर जमा कर देना 3, क्योंकि बोर्ड मास वाला फॉर्मूला हमने बता रहे हैं क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई पहले होती है, एडिशन बाद में होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2x⁵ + 2 / x², तो ये हमने निकालना है, कुछ नहीं करना भाई, 2 से डिवाइड कर देना, फिर इसका स्क्वायर कर देना, 8 से मल्टीप्लाई कर देना, बस कुछ नहीं करना, ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद अगला, 2x + 1 / 2x = 9, 4x² + 1 / 4x² निकालना है, कुछ नहीं करना, सिंपल स्क्वायर कर देना है बोथ साइड, इसका स्क्वायर करो जो 4x² + 1 / 4x² + 2 = 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो इसका आंसर बता देता हूँ, 81 - 2 हो जाएगा 79 के बराबर, सिंपल सा था। इसका अगर हम करते हैं, वह ए का स्क्वायर हो जाएगा 9x² + b का स्क्वायर हो जाएगा 1 / 9x² + 2 × ab, ए से बी कट जाएगा तो +2 आंसर हो जाएगा 11 में 2 गए 9। उसके बाद अगला बिल्कुल सेम है, 3 का स्क्वायर - 2, 3 3 9 9 में 2 गए 7 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, 5x + 1 / 2x = 8, तो हमने निकालनी है वैल्यू 25x² + 1 / 4x², इसमें भी कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर देना है इसका, तो ये बन जाए 25 a + b² इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये बन जाए a² जो कि 25x², b का स्क्वायर जो 1 / 4x² + 2ab, 8 2 64 64 में 2 गए 62, इसका हो जाएगा आंसर। इसी तरीके यो है, एक्स का स्क्वायर 6x² करें, 6x³ का स्क्वायर करेंगे तो बन जाए 36x6 + 1 / 16x⁶, तो 12 का स्क्वायर - 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 - 2 जो कि बराबर आ जाएगा 142 के बराबर। उसके बाद 33वें में क्या करें, वो है सिंपल, 3 का स्क्वायर करेंगे 9x⁰ और 1 / 4x⁵ की पावर का स्क्वायर करेंगे तो जाए 16x⁻¹, आंसर क्या होगा, 7 का स्क्वायर - 2 जो कि बराबर आ जाए 47 के बराबर। इसी तरीके से अगला है, स्क्वायर करना है, माइनस कर देना, 12x³ - 2 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। तो 35वें में क्या करना है, इन क्वेश्चन में क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करने आ रहा है बस, तो 35वें में देखो क्या करना है अपन, 35वें में देखो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करते हैं हम इस इक्वेशन में, 9x + 3 / 2x = 12 के बराबर दे रहे हो, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाए 3x + 1 / 2x, और ये बन जाए 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 4 = 12, तो दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दें जो बन जाए 9x² + 1 / 4x² + 2 × a की वैल्यू कितनी है 3x × b की वैल्यू 1 / 2x बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखो इसमें हम काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है ए और बी की, ए और बी की सेम होती है तो हम सीधा 2 लिख देते हैं यहाँ पर, तो एक्स तो एक्स गया, 2 तो 2 गया, तो जानो 9x² + 1 / 4x² = x तो x गया वही, और 2 तो 2 गया तो बन गया 3, तो 16 का
चार का स्क्वायर 16, 16 में आते हैं, 3 गए जो जगह 13। इक्वेशन क्या बनी, 9x² + 1/4x² = 13। और निकालनी हमने क्या है, यह वैल्यू। तो क्या करेंगे, हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाए 45 का x² और ये बन जाए 5/4x³ इज 13×5 65। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या है, प्लस 1 और कर रखे हैं, तो प्लस 1 यहाँ भी, प्लस यहाँ, 13×5 65 और 166 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में भाई दिक्कत हो तो कर लेना, क्योंकि जल्दी जल्दी में बोलती हैं कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपने मेथड समझ में आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे के करा भाई मेरी कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, कमेंट करा भाई आपने यहाँ मल्टीप्लाई गलत कर दिया, न्यू कर दी, वो चीज़ मैटर नहीं करती, बस आपने ये समझ में आना चाहिए कि भाई आपने इसका क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया, वो चीज़ मैटर करती है। उसके बाद 36th क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो 36वें क्वेश्चन में देखो, 25x² + 1/5/4x² = 15। तो हमने यह वैल्यू निकाल लिया, तो क्या करें, हम पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसने इक्वेशन है सिंपल बना लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करें तो बन जाए 5x² + 1/4x² = 15। तो इसके बाद इसका करते हैं हम स्क्वेयर, तो ये बन जाए 25x² + 1/16x² सॉरी 16x की पावर 4 हो जाएगी भाई, सॉरी 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 4 हो जाएगी पावर इसकी, और 15 का स्क्वेयर हो जाएगा 225। उसके बाद 15 क्या करते हैं, हम 3 तक मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन देखो सेम बन गया, 25 3 75, और यहाँ भी 3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 16x की पावर 4 न्यू का न्यू रहेगा, और यहाँ भी 3 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 तक मल्टीप्लाई आप कर लेना, उसके बाद क्या रहेगी हमारे पास इक्वेशन, या प्लस 1 हो रहेगी, तो एम प्लस 1 और कर दे, देखो ये वाली इक्वेशन और ये सेम होगी, और इसके बराबर में क्या आंसर आया हमारे पास, 225 × 3 = 1। तो ये हो जाए अपने पास इसका आंसर, इसने सोल्व कर लेना और आंसर आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अगला क्वेश्चन है क्या करना, हमने 3 3 तक डिवाइड कर देना दोनों साइड, यो कट जाए, यो बन जाए 3x की पावर 5, समझे। फिर उसके बाद उसका स्क्वेयर करेंगे तो बन जाए 9x की पावर 5 + में वो कट जाए, और यो बन बैम 25x की पावर 5, और इसका 15 का स्क्वायर हो जाए 225। बस उसमें कुछ नहीं करना, आप 4 तक मल्टीप्लाई करना है, ये 36 बन जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 4 तक गुणा हो जाएगा, और जमा में कर देना है 1, तो ये 1 यहाँ पे जमा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद भाई अगला क्वेश्चन, 2x + 1/3x = 6 के बराबर दे रखे। देखो ये हमने इसमें चीज़ में क्या करना पड़ेगा, देखो ये ऊपर जो चीज़ है, या 2 और 9 मल्टीपल नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। 2x + 1/3x = में दे रखा है 6, तो हम इसने क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते, तो हम इसको करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन है। तो 2x (3/2) + 1/3x है, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई, सारे को 3/2 से मल्टीप्लाई करना, परली साइड भी 3/2 से मल्टीप्लाई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 3x, ये इक्वेशन देखो बने 3 × 3 गया, तो 1/2x = 2 3 6, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 9। तो ये इक्वेशन है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये बनेगी 3 का स्क्वायर 9x² और 2x का स्क्वायर 4x², तो इसका आंसर सीधा हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, 9 का स्क्वायर - 2, 81 - 2 जो कि बराबर आ जाए 17। तो ये चीज़ कह रहा था मैं, आपने पकड़नी पड़ेगी, तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व होते चले जाएंगे। ऐसे यह है, 2 का मल्टीपल 25 नहीं है, तो हमने इक्वेशन 5 के या 1 के मल्टीपल में बनानी पड़ेगी, तो हम कैसे करेंगे, इक्वेशन दे रखी हमारे पास 2x + 1/5x = 6। तो क्या करते हैं, हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x को, सारी इक्वेशन को, सॉरी 5x है, इसको भी 5/2 से मल्टीप्लाई, = 6 है, तो इसको भी 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाए 5x प्लस में ये बन जाए हमारे पास 1/2x = 2 4 8 5 20। तो क्या बनेगा, 5x + 1/2x = दे रखा है 5 20 के, ठीक है। तो ये भी इसको हम स्क्वायर करेंगे, देखो कौन सा आ गया अपने पास, ये आड़ी, तो ये 5 का स्क्वायर करें 25, और इसका करेंगे 4x², तो आंसर क्या आ जाएगा, 20x (20² - 2) जो कि बराबर है 400 - 2 जो कि बराबर आ जाए 398 के बराबर।
अगला बिल्कुल सेम जो कि है, उसका तो 40वां बिल्कुल सेम है। तो 40वां कह रहे हैं 4x+ में 1/3x बराबर दे रखे 8 के। तो 4x+1/3x का क्या करना हमने, 3/4 से मल्टीप्लाई करना पूरी पूरी इक्वेशन, इनटू में 3/4, और यो 8 भी हो जाए 3/4 तक मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यो बन जाए अपने पास 3x+ में यो 3 तक 3 कट जाए, यो जो बन जाए 1/4x बराबर में आ जाए 4 2 जाए 8, 3 2 जाए 6 यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x² + में 1/16x² प्लस में 2 × AB जो कि है 3x × 1/4x इजिकल टू 6 का स्क्वायर हो जाए 36। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ से, ये एक्स एक्स गया 2 2 जा 4, तो यहाँ बन जाए प्लस का 3/2 इजिकल टू में 36। तो आंसर क्या आएगा, माइनस में 3/2 कर देंगे, तो 36 - 3/2 सोल्व करके जो भी आओ अपना आंसर हो जाएगा। पॉइंटा में दे रहे, पॉइंटा में निकाल देना, और सिंपल डिवाइडेड बाय में 2 दे रखा वो निकाल देना। शायद इस तक पिछले वाले क्वेश्चन भाई मैंने ये 1+2 AB वाला कराया नहीं था, तो ध्यान देना बस, कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, वो मैं कह रहा है 1+2 AB ये वाला मैंने सोल्व नहीं कराया था, मैंने शायद सीधा काट दिया, प्लस का 2 ले लिया था, तो वो देख लेना एक बार इसमें भी। ठीक है, उसके बाद 41, 41 में क्या करना है मैंने, 4/5 तो मल्टीप्लाई करना पूरी इक्वेशन ने, 5x³ दे रखा है प्लस में 1/4x³ दे रखा है इजिकल टू में दे रखा है 10। तो क्या करना है, 4/5 से मल्टीप्लाई करना है सारे का सारा, तो ये कट जाए यहाँ तो बन जाए 4x³ + में 4 तो 4 गया, तो ये बन जाए 1/5x³ इजिकल टू में 5 × 10 4 × 8 ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसका स्क्वायर करना, तो ये जाए 16x⁶ और ये बन जाए 1/25x⁶ प्लस में 2 × में ए की वैल्यू हमारे पास 4x³, बी की वैल्यू है 1/5x³ और ये हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर 2 2 64। तो दो ये x³ काट देंगे, ये जहाँ 4 × 8/5 तो जो है इसकी वैल्यू आएगी 16x⁶ प्लस 1/25x⁶, तो कितनी आ जाएगी 64 - 8/5। 42 में क्या करना भाई, 42 में करना हमने मल्टीप्लाई, पूरी पूरी जो इक्वेशन है 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, बता देता हूँ एक बार। तो 42 का क्वेश्चन देख लो क्या करेंगे, इक्वेशन है पूरी पूरी ने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसने भी और इसने भी। ठीक है, तो ये बन जाएगी 2x+ में 2 तो मल्टीप्लाई करते हो 1/2x हो जाएगी और इजिकल टू में हो जाएगी 3 × 2 = 6। तो इसका हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा जो कि हमारे से पूछ रखा है ये वाला सेम, 4x² + में 1/4x² + में 2 × AB सेम हो जाए, तो कट जा चिक चिक हो जाएगा 36 के बराबर। तो आंसर कितना, 36 में 2 गए 34 आ जाएगा इसका हमारे पास सीधा आंसर। उसके बाद अगला जो है 3x+ में 1/3x, तो क्या करना हमने, क्या 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देना सारी की सारी इक्वेशन, तो ये बन जाएगा x+ में 1/9x और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। इसका स्क्वायर कर देना, वाई इक्वेशन बन जाएगी x² हो जाएगा 1/9 81x² हो जाएगा इसका प्लस में, तो नीचे लिख देता हूँ मैं x² + में 81x² + में 2 × a × b 1/9x = में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो यह जो वैल्यू है यह हमने ऐसी की ऐसी रखनी है, x तो x गया तो 2/9, तो 16 में तो 2/9 माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाए हमारे पास इसका 44 / 2x + 1/2x = में दे रखा है 10 के बराबर। तो 44 में भी क्या करना भाई, 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी पूरी की पूरी इक्वेशन, तो ये बन जाए x+ में 1/4x = में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 5, समझ गए। तो इस काम कर देंगे आगे स्क्वायर, तो ये बन जाए x² + में 16x²
प्लस में 2 इंटू में ए की वैल्यू है एक्स, इंटू में 1 बाय में 4x इजिकल टू 5 का स्क्वायर 25, एक्स तो एक्स गया, ये 2 कट गया, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी, इसके बराबर आएगी 25 माइनस में 1 बाय में 2 के बराबर। उसके बाद 45th भी सेम है, इसमें क्या कर देना हमने, 5 से डिवाइड कर देना है, सॉरी 5 से डिवाइड नहीं, 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने देखो भाई 625 बनाना है, यहाँ पे क्या था ये इसके मल्टीपल हटाने थे, अरे इसका बनाना, तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड करा, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 बनाना था। ये भी इसमें क्या, 625 है तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन, तो ये बन जाए 25x, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाए 1 बाय में एक्स बराबर है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15, बस इसका स्क्वायर कर देंगे, वही ये बन जाए 625x² प्लस में 1 बाय में x² प्लस में 2 इंटू में ए की वैल्यू है 25x इंटू में बी की वैल्यू है 1 बाय में x, तो x तो एक्स गया, 25 × 50, 25 15 का स्क्वायर हो यहाँ आ जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाए 225, और 25 225 में तो ये 50 घटा देंगे तो 1, मेरे ख्याल 175 बच जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 46 नंबर क्वेश्चन, तो 46 में क्या करना हमने, एड वन बोथ साइड, हमने एक जोड़ देना है दोनों साइड, तो देखो इस साइड एक जोड़ेंगे तो बन जाए एक्स प्लस में 1 बाय में एक्स प्लस में 1, तो एक जोड़ देना हमने इस साइड, तो इजिकल टू में 5 प्लस में 1, समझे, तो ये हम 1 ने यहाँ लिया तो ये बन जाए एक्स प्लस में 1 प्लस में 1 बाय में एक्स प्लस 1 इजिकल टू 5 × 6, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन बन गई सेम, इसका हम स्क्वेयर कर देंगे तो बन जाए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस में 1 बाय में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, ए बी कट जाएंगे और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 36 में 2 गए 34, तो जो ये इक्वेशन इसका आंसर आ गया 34 के बराबर। उसी तरीके से यह इसमें क्या कर देना हमने, 3 ऐड कर देना दोनों, तो 8 × 3 = 11, यहाँ पे एक्स प्लस में 3 बन जाएगा, 2ab करेंगे एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा यह आ जाएगी, प्लस में 2ab करेंगे तो ए बी तथा बी कट जाएगा, प्लस में 2 रहा होगा, 8 × 3 = 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, 121 है तो 2 घटा देने हमने, कितना बन जाएगा 119 आ जाएगा इसका हमारे पास आंसर, सिंपल पिछले की ताले है। उसके बाद 48वां क्वेश्चन, 4x प्लस में 2 बाय में 3x इजिकल टू में दे रखा है 8 के बराबर, तो 48 में देखो भाई क्या आ रहा है, मल्टीपल चेंज होते हैं, 4 27 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करें, हमें डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x को हम क्या करेंगे 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी की पूरी इक्वेशन को, 2 बाय में 3x है यहाँ पर, तो इसको भी क्या करेंगे 3/4 से मल्टीप्लाई, इजिकल टू में 8 है, इसको भी 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए अपने पास 3x प्लस में 3 × 3 गया तो 2 × 2 गया तो ये बन जाए 1/2x बराबर में, यो कट जाए 4 × 2 3 × 6, ठीक है, 3x प्लस 1/2x इजिकल टू में आ जाएगा बराबर 6 के बराबर, इसका स्क्वेयर करेंगे अभी हम, तो स्क्वेयर करेंगे तो कितना बन जाएगा, बन जाएगा 9x² 1/4x² प्लस में 2 × a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3x, बी के वैल्यू 1/2x, तो एक्स तो एक्स गया 2 × 2 गया और 6 का स्क्वायर हो जाए 36, तो 36 में तो 3 चले जाएंगे ये बन जाए 33, तो इक्वेशन बनी हमारे पास 9x² प्लस में 1/4x² इजिकल टू में 33 के बराबर। ये इसमें देखो इक्वेशन क्या गया, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, तो हमने 3 तो मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा तो ये बन जाए 27x² प्लस में हो जाए 3/4x², जो 3 तो मल्टीप्लाई करते हो भी हमने 3 तय मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और क्या है प्लस 1 हो रहा है तो प्लस 1 दोनों साइड कर देंगे तो 33 3 3 9 3 3 9 जमा में 1 जो हो जाएगा 100 के बराबर इसका आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 6x² प्लस में 3/5x² इजिकल टू में 12, देखो 6 125 का मल्टीपल नहीं है तो हमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कोई सी ऐसी क्वेश्चन से, तो क्या करेंगे हम इसमें जो 49th क्वेश्चन है इसमें हमने 5/6 था हमने वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन, तो 6x² इंटू में 5/6 को किसी 6 तो 6 सीधा कट जाए और ये 5 तो ये कट जाएगा 3/5x², तो क्या करना 5/6 था मल्टीप्लाई इजिकल टू 12 इंटू में 5/6 था मल्टीप्लाई, तो 6 तो 6 गया तो बन जाए 5x² प्लस में 5 तो 5 गया 3 × 6 1/2x² इजिकल टू में 6 × 12 5 × 10, ठीक है 5x² प्लस 1/2x², तो यहाँ पे क्या है इसकी एक्स की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 25x² प्लस 1/4x² इजिकल टू में हो जाए 100 के बराबर, ठीक है प्लस में सॉरी प्लस में 2ab हो रहा होगा 2 इंटू में a की वैल्यू है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सॉरी भाई साहब ये
फोर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x की पावर 4, 2 इंटू में ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू 5x² और बी की वैल्यू 1 में 2x² और बराबर आ जाए 100 के। तो x² गया, 2 तो 2 गया, तो 100 में तो 5 गया 95। तो 5 से और मल्टीप्लाई करें क्योंकि 125 बन जाएगा और 5 इसके ऊपर आ जाते हो जाए 125x की पावर 4 प्लस में 5/4x² और 95 भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाए हमारे पास आंसर 95 × 5 जो कि 25 × 25 5 × 45 और 2 × 47, तो 475 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन वीडियो में 49 तक ही क्वेश्चन रखते हैं हम, ठीक है। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन लाऊंगा और उसके बाद एक कंपाइल वीडियो डालूंगा जब पूरी वीडियो हो जाएंगी। तो धन्यवाद देखने के, जय हिंद जय भारत।